कुछ माननीय सदस्यों ने ये कहा कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रह करके फोटो खिंचवा रहे हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, दशकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं और अब उनकी बात चलती नहीं है। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। हमें याद दिलाया जा रहा है कि क्विट इंडिया का नारा देने वाले, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे। दिक्कत यही है कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे, हमारे लिए हमारी नजर में वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है।